हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम देखते हैं 11th क्लास का ग्रेविटेशनल फोर्स में से आज हम एक छोटा सा एक टॉपिक लेकर आए हैं, और जो है हमारा तुल्यांकालिक तथा ध्रुवीय उपकरण। चलिए आज हम इसको सॉल्व करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसको आज। देखिए, ये कोई अर्थ है और ये जो है इसका सैटेलाइट है, और ये वी है स्पीड ऑफ सैटेलाइट, और ये इसका हो जाएगा एफ सी फिशनेट्स का, और एफ ई। ये कब आएगा? जब फ्यूजनेट ग्रेविटी ज्यादा होगी हमारे पास, तो ये एम टू हो जाएगा, ये छोटा एम हो जाएगा और ये बड़ा एम हो जाएगा हमारा। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक को थोड़ा ही डीपली तरीके से समझना, क्योंकि इधर हमने एक चीज नोट में लिख रखी है इधर। तो देखो, जैसे ही हमारा टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो क्या इसका डिस्टेंस कम हो जाएगा, जैसे ही टाइम कम होगा तो डिस्टेंस क्या ज्यादा बढ़ जाएगा हमारा। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एफ सी एफ जी फिनोसेंट ग्रेविटी और एफ सी हो जाएगा ये हमारा। क्लियर? इतना होने के बाद में क्या आ जाएगा हमारा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। इसके बाद क्या होता है हमारा एम वी स्क्वायर एम वी अपॉन आर। तो देखो, आर से आर क्रॉस, एम से एम क्रॉस, तो क्या बचता है हमारा? ये बचता है हमारा, बताओ क्या बचेगा? वी इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर। देखो, ये क्या था हमारा वी वी क्या था हमारा स्पीड ऑफ सैटेलाइट, यानी कि स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ग्रेविटी ऑफ सैटेलाइट और मास ऑफ सैटेलाइट और आर अर्थ ऑफ सैटेलाइट। चलिए अब इसको पूरा कर लेते हैं। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? टू पाई आर अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे यहां पर? वी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो, इधर हो जाएगा हमारा टू पाई आर, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा इसके? जी एम। क्या है हमारे पास? जी एम है, तो अंडर रूट में रख लेंगे हम इसके, जी एम अपॉन आर रख लेंगे इसमें हम। अब देखिए, इसके आगे क्या करते हैं हम इसमें? टी इज इक्वल टू टू पाई आर। अब देखिए, इसका ना हाफ होता है, कितना होता है इसका? हाफ होता है, तो वन बाय वन अपॉन टू हो जाएगा इसका, और ये क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट में जी एम। क्लियर इतना? चलिए, अब आपको इतना समझ में आया हो तो हम इसको आगे करते हैं। देखिए, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? टू पाई टू टू पाई, तो थ्री बाई टू, क्योंकि टू वन जे टू, टू और वन थ्री, थ्री बाई टू, और ये क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट जी आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट जी आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद थोड़ा सा फंडा और है इधर को। टाइम, ये है हमारा गुरुत्वाकर्षण निकालने के लिए, यानी कि हम सैटेलाइट को हम कितने टाइम में निकाल सकते हैं उसको। तो क्या आ जाएगा हमारा? टी इज इक्वल टू के आर थ्री बाई टू। अब देखो, हमें यहां करना क्या है? हमें यहां करना है दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे इसका, तो स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा ये हमारा? टी के हट जाएगा हमारा, के क्या प्रोपोर्शनल बन जाएगा हमारा, और आर की क्यूब, और ये टी स्क्वायर। देखो, ये हमने यहां पर लिख रखा है आपका, जितना हमारा टाइम पीरियड कम होगा डिस्टेंस आर उतना ही बढ़ता चला जाएगा हमारा। ओके, चलिए, इतना समझ में आया हो तो इसको हम थोड़ा रफ कर दें। चलिए, अभी हमने वो रफ किया, तो आगे क्या देखते हैं हम? जियो जियो सैटेलाइट
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, क्या देखते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी। चलिए, जो इसका आवर्तकाल होता है यानी कि इसका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है हमारा, t इज़ इक्वल टू 24 आवर, होता है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं अब हम, तो क्या हो जाएगा t इज़ इक्वल टू, देखिए अभी हमने बताया था t इज़ इक्वल टू 24 आवर्स होता है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा जो भी हमने प्रूव किया था, t इज़ इक्वल टू 2πr(3/2)gr2। तो क्या करेंगे इसमें, t इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे साथ 2πr(3/2)√gr। चलिए आप मुझे बताइए थोड़ा सा कि पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है हमारी, तो स्टूडेंट वो होती है हमारी r = 640 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं r = 6.4 × 10⁶ किलोमीटर, ये क्या हो जाएगी हमारी रेडियस हो जाएगी। चलिए t क्या होता है हमारा, 24 घंटे के लिए है, कहां पे लिखा था हमने, यहां पर 24 घंटे के लिए, ठीक। और 24 घंटे में देखो टाइम घंटे में मिनट भी है और सेकंड भी है, तो क्या कर लेंगे इसको, 60 × 60 = क्या चलेगा हमारा 2πr(3/2)/ में क्या हो जाएगा यहां पर अपॉन में gr2, क्या हो जाएगा हमारा gr2 हो जाएगा। अच्छा चलिए ये भी हो गया हमारा, तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके आगे हमको इन दोनों का तुल्य के बाहर निकालना है, तो 2π × 60 × 60 = क्या हो जाएगा हमारा 2πr हो जाएगा हमारा, नहीं 2 × π होगा ना भाई, r से तो r कट जाएगा अभी, तो 2 × π होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा r + h का 3/2 हो जाएगा। देखो ये कैसे होगा हमारा, ये क्या हमारा सेंटर, सेंटर यानी कि अर्थ का सेंटर, और यहां से लेके ये क्या r, और ये क्या रेडियस r, और ये क्या इसकी h हाइट हो गई हमारी, ये क्या इसकी h हाइट हो जाएगी, कौन सी, ये जो है ये क्या इसकी h हाइट हो जाएगी पूरी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा r + h 3/2। चलिए और अभी हमें क्या करना है, इसका नीचे वाला पोर्शन तो रखना है ये वाला, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, अनरूट, अच्छा ग्रेविटी का वैल्यू क्या होती है हमारी 9.8 या 10, तो क्या रख सकते हैं हम इसमें 9.8 × अभी देखो हमने रेडियस कितनी निकाली थी 6.4 × 10⁶ निकाली थी, तो क्या करेंगे यहां पर 6.4 × 10⁶ किलोमीटर, तो अच्छा 6 किलोमीटर हो गया, तो हमें क्या करना है, इसका आर तो स्क्वायर में होता है हमारा, तो रेडियस स्क्वायर में है, तो हम क्या कर देंगे इसको, इसका कर देंगे हम स्क्वायर। अच्छा अब हमें ये पता हुआ है कि जो h होता है, h कितना होता है, वो 36,000 किलोमीटर होता है, h कितना होता है, वो 36,000 किलोमीटर होता है, ये तो याद है 36,000 किलोमीटर, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो हमें प्लैंक नियतांक मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू गाइस। तो फ्रेंड्स आज हमने बताया आपको हम कैसे पृथ्वी का टाइम निकाल सकते हैं, ओके कक्षकों को टाइम निकाल सकते हैं, धन्यवाद।